नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार, आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज़। चलिए दोस्तों, इस चर्चा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं फॉर्मर वाइस चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत सरकार। जी हाँ दोस्तों, आज मुद्दा है हमारा क्राइम का, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इस क्राइम को लेकर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है या क्या कारण है उन क्राइमों को आगे बढ़ने का। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो आज जो देश के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? देखो, ऐसा पहली बात तो ये है कि आज हमारे पास सर्विसेज की बहुत ज़्यादा कमी है जी। ना तो गवर्नमेंट जॉब है, ना ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब है जी। और इस दौरान नोटबंदी या अपना GST के बेस पे या कई और अन्य मुद्दों के कारण जी अपना बहुत से लोगों की नौकरी चली गई जी, इंडस्ट्री चौपट हो गई और जो लोग अनएम्प्लॉय हो गए हैं जी, उनके पास काम धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है जी जी। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? वो क्राइम करेंगे जी जी, छीना झपटी करेंगे या चोरी चकारी करेंगे या उसी आधार पे कत्ल भी करते हैं जी। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण जो है ये अपना क्राइम का रेट जो है वो बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया सर, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन इस क्राइम पर पूरी तरह से नकेल कैसे लगाई जा सकती है? देखिए, अपना नकेल तो सरकार के पास सब कुछ होता है जी, सब कुछ कर सकती है अब। बट एक मेन वजह ये जो क्रिमिनल है जी, वो हमेशा तैयार होकर आता है जी। उसने कोई भी क्राइम करना है तो उस टाइम क्या होता है पता ही नहीं चलता कि यहाँ भी सरकार को या प्रशासन को क्या पता चलेगा जी, यहाँ भी ये बंदा क्राइम करने के लिए जा रहा है जी। मेन चीज़ क्या होता है कि भी हम आज हमें ज़रूरत है लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करने की जी जी। जब तक लोगों की मेंटेलिटी या उनकी सोच को नहीं बदला जाएगा जी, तब तक ये क्राइम नहीं रुकेगा जी। और फिर जो आज हम CCTV कैमरे वगैरह लगा के बैठे हुए हैं जी, CCTV कैमरे में भी क्रिमिनल की जो है पूरी तरह पहचान नहीं हो पाती जी जी। तो इसी कारण जो है क्रिमिनल भी अपना बेखौफ घूमते रहते हैं, उन्हें ये पता भी यहाँ भी प्रशासन ने क्या करना उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है जी। क्योंकि जब तक CCTV कैमरे की जो फुटेज है वो क्लियर नहीं आएगी, उसी शक्ल क्लियर नहीं दिखाई देगी, तब तक क्रिमिनल की पहचान भी नहीं की जा सकती। ये तो था सर एक पहलू जो आपने हमें बताया। एक पहलू इसका और है जो प्रशासन की तरफ इशारा करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं जी, प्रशासन की कमी के कारण इस तरह से क्राइम या वारदातें बढ़ रही हैं, उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अपना कुछ क्राइम इस तरह के होते हैं जो कि प्रशासन की नाक के नीचे होते हैं जी। अब किसी भी अपना क्रिमिनल के बारे में अगर थानेदार से बात की जाए या SO से बात की जाए या उच्च अधिकारियों से बात की जाए जी, तो उन्हें पता होता है जी, हाँ भी ये क्रिमिनल अपना क्राइम करने वाला उस एरिया का ये क्रिमिनल मेन है जी, ये क्राइम करने वालों में से जी। बट उसको अपना क्राइम करने से पहले रोकने के लिए जी सरकार को या प्रशासन को मैं पूरी तरह मुस्तैद होना चाहिए ताकि क्राइम के ऊपर रोक लग सके जी। आज हम देख रहे हैं क्रिमिनल जो है बेकॉफ घूम रहे हैं जी, क्रिमिनल अपना क्राइम करने से बिल्कुल निकतराता है वो। तो जब वो उसमें अपना क्राइम करने का उत्साह बढ़ा रहेगा, उसे कहें उसे ये पता होगा कि ऑफिसर तो मेरे साथ का है, मेरा यार दोस्त है जी, मेरे साथ खाता पीता है जी, मेरे रोकने वाला कौन है जी। इस कारण उसके जो है हौसला बढ़ जाता है और अपना क्रिमिनल जो है बेखौफ होकर के बेडर के किसी डर के जो है वो अपना क्राइम को रोक लेता है जी जी जी। बहुत ही अच्छी सर ने बात कही। और मैं दूसरा मुद्दा इसी पहलू के ऊपर लेकर चलता हूँ। आज हमारे बीच सरकार में BJP मौजूद है तो, और मोदी सरकार से सर वाइस प्रेसिडेंट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वाइस चेयरमैन जो है भी, तो इसी पहलू को इसी कड़ी को दूसरी तरफ लेते हुए मैं इनसे सर से चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। मैं एक सवाल सर और आपसे, जो आज मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया के ऊपर जो मोदी साहब काम कर रहे हैं उनकी जो धारणा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपना मोदी जी का तो एक अपना मेन उद्देश्य है कि हमारे देश के लोग जो है किसी भी चीज के आगे बढ़े जी, ये स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया का जो है जी। मेक इन इंडिया का मतलब ये कि हमारे देश में हमारे घर में ही अपना चीज़ें बने जी, और उसके बेस पे लोगों में रोजगार अपना बढ़े, लोगों को रोजगार मिले जी। और ताकि जो हम
बाहर से वस्तुएं मंगाते हैं, बाहर से कोई मशीनरी मंगाते हैं जी, वो अपने ही देश में तैयार हो और अपने ही देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और अपने ही लोगों में इंडस्ट्रीज वगैरह लगे, डेवलपमेंट हो, ताकि एक पूरी तरह जो है हिंदुस्तान का नक्शा बदले और अपना पूरा विकास हो जी। तो इसलिए ये स्किल इंडिया का जो है बहुत ज़रूरी है। बाकी डिजिटल की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं जी, अभी डिजिटल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह कंप्लीट नहीं है जी। जब तक डिजिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत नहीं होगा जी, अब आप देखिए ना, हम मोबाइल पे फ़ोन कर रहे हैं जी, बीच में भी अपना कट जाता और हमें हेलो हेलो करते रह जाते जी, हैं जी, जी। मैं ये नहीं पता चलता भी हाँ भी कब कट गया और कब नहीं कट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम डिजिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह मजबूत नहीं कर लेंगे, उस टाइम तक हम डिजिटल में, जो मेरी अपनी सोच है कि हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब हम बैंकों में देखते हैं कई बार क्या होता है, कभी सर्वर काम नहीं करता है या नेट नहीं काम करता है, जो वहाँ के अपना उपभोक्ता है या जो अपना कस्टमर है उनको दो दो तीन तीन घंटे अपना वहाँ पे इंतज़ार करते रहना पड़ता है, जिसके कारण जो है बैंकों का भी काम सफ़र होता है और आम कस्टमर का भी जो है काम सफ़र होता है। ये मेरा मतलब कि पहले हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी जो है हम इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे और तभी हम आगे विकास कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वाइस चेयरमैन भारत सरकार मिस्टर मदनलाल आज़ाद जी। इसी के साथ